श्री बलराज पासी जी, श्री प्रदीप बिष्ट जी, श्री श्यामलाल वर्मा जी और काठगोदाम में उपस्थित क्या वो आवाज नहीं जा रही है? और सभी काठगोदाम में उपस्थित उत्तराखंड के प्रिय भाइयों और बहनों, आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि काठगोदाम से देहरादून चलने वाली ये नई गाड़ी, जिसको नैनीदून जन शताब्दी कहा गया है, इसका शुभारंभ करने के लिए हम सब यहां उपस्थित हुए हैं। वास्तव में मैं वहीं पे आना चाहता था, काठगोदाम में रहना चाहता था, लेकिन पूर्व में छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री बलराम जी दास टंडन जी के आज शोक सभा के कार्यक्रम में मुझे उपस्थित रहना है चंडीगढ़ में, इसलिए मैं आज आप सबके बीच नहीं उपस्थित रह सका, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अटल जी का सपना था कि उत्तराखंड एक प्रगतिशील और सुंदर प्रदेश है, इसमें जन सुविधाएं सुधरे, और माननीय अटल जी ने जो प्रयास किए जिससे उत्तराखंड का जन लगभग 18 वर्ष पूर्व हुआ, उनको हम समर्पित करते हैं ये नई गाड़ी। और मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड के सभी नागरिक अटल जी को बहुत प्रेम से याद करते हैं, बहुत सादर सम्मान के साथ याद करते हैं। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका दिखाया हुआ मार्ग, उनका किया हुआ काम हम सबको प्रेरणा देता है, हम सबको आगे चल के सेवा करने के लिए और प्रोत्साहन देता है। और मैं समझता हूं अटल जी का स्वयं का जीवन भर यह असूल रहा कि जन सेवा ही प्रभु सेवा है, और उत्तराखंड तो देवों की भूमि है, यहाँ पे प्रभु सेवा करने के लिए मैं समझता हूं जितनी ज्यादा सुविधाएं जनता के लिए हम उपलब्ध करवा सकें, यही सही माने में आदर पूर्वक श्रद्धांजलि होगी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के यादों के लिए। और आज का दिन हम सबके लिए एक प्रकार से अटल जी को समर्पित है। मुझे याद है जब कुछ महीने पहले माननीय श्री अनिल बलूनी जी मेरे पास आए थे कि काठगोदाम से देहरादून के लिए बहुत समय से ये मांग थी कि एक सुपरफास्ट एक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाए, जिससे काठगोदाम से लोग देहरादून सुबह के समय जाके पहुंच सके, अपना कामकाज करके शाम को वापस अपने घर लौट पाए। और माननीय खुशियारी जी ने कई बार इस विषय को उजागर किया कि काठगोदाम और देहरादून ये दोनों उत्तराखंड के प्रमुख स्थान हैं। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत लंबे समय से मांग रही है उत्तराखंड के लोगों की, इससे एक और विकास की लहर तेजी से गूंज सकती है, इसको स्वीकार किया। और मुझे आज खुशी है कि आज इस गाड़ी की शुरुआत करने के लिए हम सब आज इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। काठगोदाम के सभी नागरिकों को और आपके जनप्रतिनिधि श्री भगत सिंह कोश्यारी जी और श्री अनिल बलूनी जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं आज के शुभ अवसर पर। वास्तव में ये गाड़ी सप्ताह में 5 दिन चलने वाली है, सिर्फ गुरुवार और रविवार को ये गाड़ी नहीं चल पाएगी ऑपरेशनल रीजंस के कारण, इसका मेंटेनेंस वगैरह के कारण। और 27 अगस्त से इस गाड़ी का दैनिक शुरुआत होने जा रही है,
ये गाड़ी हल्द्वानी, लालकुआ, रुद्रपुर, रामपुर, मुरादाबाद, नजीबाबाद और हरिद्वार, इस प्रकार से अलग अलग स्टॉपेजेस हैं इसके। तो मैं समझता हूं इसकी महत्वता इसमें भी है कि ये दोनों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से गुजरते हुए काठगोदाम से हरिद्वार तो जुड़ती ही है, लेकिन साथ में व्यापार के लिए मुरादाबाद भी जुड़ेगा, बहुत बड़ा क्षेत्र उद्योग का रुद्रपुर भी जुड़ेगा, और जो लोग दिल्ली से या देहरादून से आने के बाद पूरा जो वो पर्यटन का क्षेत्र जोड़ती है पृथ्वी पर एक प्रकार से स्वर्ग के समान बनाया हुआ उत्तराखंड, दिल्ली और देहरादून के लोगों को जोड़ने का भी एक मार्ग बन जाएगी। मुझे ये भी खुशी है कि उत्तराखंड में गत 4 वर्षों में कई सारे नए प्रयास हुए हैं रेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए। मुझे बताया गया कि अभी तक 7 रेलवे स्टेशनों पे मुफ्त में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है सिर्फ उत्तराखंड में 7 स्टेशनों में। आगे चल के हम इसको और गति देके जो अलग अलग स्टेशन पे वाईफाई की सुविधा देने के लिए हम प्रयत्नशील हैं, और आगे अगले 4-5 महीनों में आप और स्टेशनों पे वाईफाई की सुविधा पाने जा रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि जो निवेश, जो बजट हर वर्ष उत्तराखंड को मिलता था, वो अगर हम 2009 से 14 का कार्यकाल देखें 5 वर्ष का, उसमें लगभग 187 करोड़ प्रतिवर्ष बजट मिलता था उत्तराखंड के अन्य कार्यों के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद ये तय किया गया कि उत्तराखंड में तेज गति से सुविधाएं बढ़ाई जाए, स्टेशन पे काम हो और रेल को भी बढ़ाया जाए। आपको जान के खुशी होगी कि अब 3 गुना पैसा, लगभग 577 करोड़ प्रतिवर्ष रेल में निवेश होता है उत्तराखंड में। तो यानी 5 वर्ष का कार्यकाल में जहां 950-950 करोड़ रुपए खर्च हुए 2009 से 14 के बीच, अब वही लगभग 3,000 करोड़ खर्च होने जा रहे हैं 2014 और 19 के बीच। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए। हमने अभी तक तेज गति से वहां विद्युतीकरण भी किया है, लगभग 80 किलोमीटर की रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम उत्तराखंड में किया गया है, जो 2009 से 14 शून्य था। और हम समझते हैं कि पर्यटक के क्षेत्र में इतना सुंदर पर्यावरण होते हुए उत्तराखंड में डीजल से चलने वाली गाड़ियां जल्द से जल्द खत्म होनी चाहिए, और वहां पे सभी जगह विद्युतीकरण करके हम पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहते हैं उत्तराखंड के हमारे भाइयों बहनों के लिए। इसी प्रकार से नई रेलगाड़ियों की सुविधा उत्तराखंड में हो, उसके लिए भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि कई सारी नई रेलगाड़ियां पिछले 4 वर्षों में शुरू की गई है रेलवे द्वारा उत्तराखंड में, और मुझे विश्वास है आगे चल के भी जैसे जैसे और रेलवे की लाइनें लगेंगी, वैसे वैसे और रेलवे की नई ट्रेनें हम शुरू करने में सफल होंगे। एक जो बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए प्रिय विषय है, वो है किस प्रकार से 4 धाम यात्रा के लिए रेल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि एक फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है 4 धाम को जोड़ने के लिए रेल की सुविधाओं से। मैं समझता हूं ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य होगा, ऐतिहासिक कार्य होगा, और इससे पूरे विश्व से जो लोग 4 धाम की यात्रा करने आना चाहते हैं धार्मिक कारणों से, पर्यटन के कारणों से, एक बहुत बड़ा गति मिलेगी उत्तराखंड के विकास को। और इसी प्रकार से एक नई लाइन
ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच बनाने का भी काम, पाइपलाइन में उसका भी काम लेने का हमने सोच रखा है, और आगे चल के ये सब नई नई लाइनें जो उत्तराखंड में बन रही हैं, ये मुझे विश्वास है कि तेज गति से राज्य सरकार के भी जो प्रयास हैं विकास के, तेज गति से औद्योगिकरण के और ज्यादा पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए, उसके लिए भी ये सब नई रेल सुविधाएं बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगी। मैं पुनः एक बार देवभूमि में शुरू होने वाली ये नई जन शताब्दी जो बहुत महत्वपूर्ण काठगोदाम से देहरादून को जोड़ती हुई, लाल कुआं, रुद्रपुर, मुरादाबाद से होती हुई जाने वाली इस गाड़ी के लिए माननीय खुशियारी जी, माननीय अनिल बलूनी जी, अनिल बलूनी से तो मेरा झगड़ा हो गया, वो रोज आके मुझे तंग करने लग गया इस गाड़ी के लिए, और मैं समझता हूँ मुझे तो एक बार लगा कि कैसे अनिल बलूनी का फोन आए तो लेना बंद कर दूं, वो इस प्रकार से पीछे पड़े रखे इस गाड़ी को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। तो मैं समझता हूँ कोश्यारी जी, अनिल बलूनी जी दोनों को और सभी हमारे उपस्थित जनप्रतिनिधि और काठगोदाम के नागरिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के इस शुभ अवसर पर, और मुझे विश्वास है जन शताब्दी आपके लिए आपकी सेवा में अच्छी सुविधाएं देंगी, अच्छी प्रकार से साफ सुथरी नई ट्रेन आपकी सेवाएं करेगी, और आगे चल के और कैसे रेलवे की सुविधाएं आपके यहाँ बढ़ सके इसके लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से प्रयत्न करती रहेगी, पूर्ण रूप से संकल्पित है, ये विश्वास देते हुए मैं आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके ऊर्जापूर्ण शब्दों के लिए, और इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए अनुरोध करते हैं माननीय रेल मंत्री जी से कि कृपया अपने कदमों द्वारा फ्लैगिंग ऑफ की इस पल को यादगार बनाए, झंडी दिखाकर इस गाड़ी को रवाना करें, साथ में आदरणीय चेयरमैन रेलवे बोर्ड, उपस्थित सभी अधिकारीगण, और ये पल ऐतिहासिक बनता हुआ उत्तराखंड के लोगों के लिए। सुबह 5:15 पर यह ट्रेन रवाना हुआ करेगी काठगोदाम से, और दोपहर 12:30 पर देहरादून पहुंचेगी। उसी प्रकार शाम को ये ट्रेन 4:15 पर देहरादून से रवाना होते हुए काठगोदाम पहुंचेगी रात 11:50 पर। ऐतिहासिक घंटा हुआ, धन्यवाद सर। Midlife rehabilitation. The interiors are